हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो यह मेरी ब्रांड न्यू साइकिल लाइफ लॉन्ग हसल, जो कि आती है डुअल डिस्क ब्रेक्स और 27 इंच टायर्स के साथ विद शिमानो 21 गियर असेंबली। इसमें मैंने लगवाई है कुछ एक्सेसरीज, एक तो ये सीट जो कि डिफ़ॉल्ट को रिप्लेस करके लगाई है। डिफ़ॉल्ट सीट काफ़ी हार्ड होती है एंड लॉन्ग राइड्स के लिए इट इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल, तो उसको हटाना ज़रूरी होता है। सेकेंड थिंग कि मैंने इसमें एक लगवाई है ये लाइट, क्योंकि अब मैं शाम में निकल रहा हूँ और हो सकता है लौटते टाइम रात हो जाए, तो दिस इज़ वेरी नेसेसरी कि हाईवे पर विजिबिलिटी बनी रहती है। और फिर मैंने इस पर एक लॉक लिया है साथ में और एक हेलमेट, सो इतना काफ़ी है टू स्टार्ट अवर जर्नी। और इससे आज हम जाने वाले हैं अपनी फर्स्ट 50 किलोमीटर्स की राइड पर, जो कि होने वाली है द्वारका एक्सप्रेसवे पर। तो 4 किलोमीटर की राइड करके मैं पहुंच चुका हूं द्वारका एक्सप्रेसवे की स्टार्टिंग पर, और हवा बहुत तेज चल रही है, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में। किलोमीटर तक फिलहाल आ चुका हूँ, बट अभी मेरे को लगता है यहीं से वापस जाना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, और रोड पे भी टार बिछा हुआ है जिससे साइकिल में काफ़ी रेजिस्टेंस आ रहा है। मैं अभी यहाँ पे हूँ, ये एक बीकानेर वाला खुला हुआ है स्पॉट, ओकस नाम की बिल्डिंग। हम ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर तक आ गए हैं। मेरे पीछे ये वाइब्रेंट हॉस्पिटल है, यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे का आगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इससे ज़्यादा हम आज नहीं जा पाएंगे और रात भी हो रही है। तो अब हम वापस घर की तरफ निकलते हैं, और आई थिंक मुझे अब लाइट भी जला लेनी चाहिए। इसमें 3 मोड होते हैं, एक तो मैक्सिमम ब्राइटनेस का होता है, और एक उससे थोड़ी सी कम ब्राइटनेस होती है, और एक ब्लिंकिंग मोड होता है। तो आई प्रेफर कि हम ब्लिंकिंग मोड में ही रात में चलाएं साइकिल। मैं अपने घर, और इसी के साथ हमारी 30 किलोमीटर की ट्रिप होती है कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।